यमन के हूती विद्रोही लगातार पश्चिमी देशों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी सरकार की नींद उड़ा रखी है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और व्यावसायिक जहाजों पर लगातार मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। हाल में हूती विद्रोहियों ने फिर से लाल सागर में आतंक मचाया। इस बार हूती विद्रोहियों ने पनामा के झंडे वाले एक तेल टैंकर को निशाना बनाया था। हूती लड़ाकों ने इससे पहले सोनियल तेल टैंकर पर भी जोरदार हमला किया था। दावा है कि करीब 10 लाख बैरल कच्चा तेल वाला सोनियन जहाज अभी भी आग की लपटों में धधक रहा है। इन सब के बीच यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने बड़ा दावा कर फिर अमेरिका को झटका दे दिया। हूतियों ने अमेरिका के एक और महाशक्तिशाली MQ-9 रीपर किलर ड्रोन को तबाह किया है। यमनी हवाई सुरक्षा ने मारे प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने की घोषणा की। यमनी नेता ने यह भी दावा कर चौंकाया है कि यह अपनी तरह का 8वां MQ-9 ड्रोन है जिसे यमनी सशस्त्र बलों ने सफलतापूर्वक मार गिराया है। खास बात यह है कि मारिब को उसके तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के लिए जाना जाता है। अमेरिका के बेहद ही शक्तिशाली ड्रोन माने जाने वाले MQ-9 रीपर के लिए यमन बेहद खतरनाक जगह साबित हो रहा है। ये एक अत्यधिक उन्नत अमेरिकी मानव रहित हवाई वाहन है। ये दुश्मन खेमे की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और हमला करने की ताकतों के लिए जाना जाता है। एक MQ-9 ड्रोन की कीमत लगभग $3 करोड़ होती है। ये ड्रोन 50,000 फुट तक की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। نجحت الدفاعات الجوية اليمنية بعون الله تعالى في اسقاط طائرة امريكية نوع MQ-9 وذلك اثناء قيامها باعمال عدائية في اجواء محافظة مأرب. وهذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية واجباتها الجهادية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمن العزيز، وإنها بعون الله تعالى بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية في منطقة العمليات البحرية. हूती विद्रोहियों ने अपने दावे के समर्थन में कोई तस्वीर या वीडियो फिलहाल जारी नहीं किया है, मगर साल 2014 में यमन की राजधानी पर कब्जे के बाद से हूतियों ने बड़ी संख्या में MQ-9 ड्रोन मार गिराए हैं। बताया जाता है कि हूती लड़ाकों की ओर से इस तरह का आखिरी हमला पिछले महीने भी हुआ था। इसमें यमनी आर्म फोर्स ने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया था जब वह सादा प्रांत में संदिग्ध गतिविधियां करते हुए दिखाई पड़ा था। यमनी आर्म फोर्स के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ड्रोन को घरेलू सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के जरिए ढेर किया गया। उस दौरान उन्होंने कहा था कि गाजा के समर्थन में यमनी बलों के सैन्य अभियानों की शुरुआत के बाद से मार गिराया जाने वाला ये अपनी तरह का 7वां ड्रोन है। यमनी सैन्य मीडिया ने MQ-9 ड्रोन के मलबे का फुटेज भी जारी किया था जिसे यमनी सशस्त्र बलों ने सादा के ऊपर मार गिराया था। इससे पहले 29 मई को यमनी बलों ने एक MQ-9 ड्रोन को मारिब में मार गिराया था। इससे पहले इसी मॉडल के एक अन्य ड्रोन को 21 मई को अल बायदा प्रांत के ऊपर सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल से भेद डाला था। 17 मई और 8 मई को भी हूती लड़ाकों ने मारिब के ऊपर अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मारने का दावा किया था। इससे जुड़े कई वीडियो भी शेयर किए गए थे। मालूम हो कि यमन में निगरानी के लिए अमेरिका सालों से MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। गौरतलब है कि ईरान से मिसाइलों की मदद के चलते हूती आसमान में हमला करने और अमेरिकी हथियारों को गिराने की क्षमता हासिल कर चुके हैं।